हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं साड़ी के पल्ला या चुन्नी को तुरपाई कैसे करें। हमें उसका उल्टा सीधा चेक करेंगे साड़ी को और उल्टी तरफ फोल्ड करके इस पर सीधी सिलाई लगा सकते हैं। ये है हमारा पहला तरीका। अगर आपके पास सिलाई ना हो या मतलब सिलाई का काम नहीं करना पा रहे हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी थ्रेड को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले की तरह फोल्ड किया है और नीडल में थ्रेड डाल के इसको ऐसे स्टिच करेंगे कि जिससे कि थ्रेड अंदर चले जाए। जो भी साड़ी या चुन्नी या जिसको भी आप फोल्ड करना चाहते हैं इसको एक जिगजैग तरीके से हम तुरपाई करना शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रही है कैसे जिगजैग हो रहा है सुई अंदर बाहर ऊपर नीचे की लॉन्ग टप से अच्छे से हम थ्रेड को अंदर कर पा रहे हैं। और देखो किस जिगजैग सा हो पा रहा है। अब हम इसके ही यह है हमारा दूसरा तरीका। अब ऐसे ही हम तीसरा तरीका भी दिखाएंगे आपको कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ पाए कि थ्रेड को अंदर कैसे करें। अब हम तीसरे थ्रेड तरीके पर जा रहे हैं जिसमें कि हमने कागज़ पहले की तरह फोल्ड करेंगे और मैंने इसमें अलग कलर का थ्रेड लिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे और आसानी से सीख भी पाएँ। हमने इसको थ्रेड को जो गांठ लगाई थी थ्रेड में उसको अंदर कर दिया है और थोड़ा सा नीचे से कपड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो फोल्ड किया था उसका सुई में लेंगे और अब धागे को अंदर की तरफ पिरो देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने धागे को लिया है और आगे की तरफ खींचा है कि ताकि पीछे सिलवटें भी ना आए और धागा ना रह पाए, स्टिच अच्छे से हो पाए। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है और इसलिए मैंने ही इसी वजह से मैंने आपको थ्रेड अलग दिखाया गया है ताकि ये थ्रेड और आपको अच्छा लगे और देखने में नू लगे कि हाँ आसानी से सीख पा रहे हैं। आगे पीछे आपको दोनों तरफ से आपको आप आसानी से सीख पा रहे हैं इसको। अगर आपको ये मेरे तीनों तरीके अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को।